आप सभी को हार्दिक प्रणाम। पूर्णिया का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ध्यान रखा था पूर्णिया की बस्ती पूर्णिया में युवा मंडल की साप्ताहिक गोष्ठी होती है, जिसका लगभग 100 युवाओं की भागीदारी प्रत्येक सप्ताह होती है। इस गोष्ठी में साधना, प्राणायाम, योगासन एवं ध्यान की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाएं चलती है। इसमें सभी धर्मों के जीवन युवा अपनी मौलिकता के साथ भाग लेते हैं। जो राष्ट्र संस्कृति हेतु गरीब एवं विद्वान छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। पटना से यह अनुरोध है कि क्योंकि आप झारखंड से बैठे हुए हैं, तो हमारे वो बच्चे एलिमेंट के बाद आपके पास आते हैं, तो हम उनका लिस्ट आपको भेज देंगे कि वो पूर्णिया वो पटना में आपके पास आ रहा है। तो आपके लिए सादर मिलन प्रार्थना कि आपने और भी प्रकार आने की कृपा करें। संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष पूर्णिया में होता है, जो बुजुर्गों के संरक्षण में किंतु युवाओं के द्वारा ही संभव होता है। इस वर्ष 40 विद्यालयों में कुल 4,687 छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया। एक अभिनव प्रयोग है गुरुकुल में एक दिन। गुरुकुल में एक दिन एक अभिनव प्रयोग है, जिसमें किसी खास कोचिंग के छात्रों ने छात्रों को एक दिवसीय संस्कार शाला का आयोजन किया जाता है। इसमें बच्चों को संस्कार, विद्या, गायत्री और परिचित जीवन शैली की शिक्षा दी जाती है। युवाओं के द्वारा ज्ञान का भी साप्ताहिक सत्र चलाया जाता है। हमारे युवा मंडल के कुछ व्यवसायी भाइयों ने अपनी दुकानों पर साप्ताहिक भी रखा है, जो युवाओं को निःशुल्क एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। अखंड गति और युग मेला प्रतिभाओं का अध्ययन एवं युवाओं के द्वारा होता है, विकलन भी होता है। कॉलेज छात्रावास, कल्याण छात्रावास ने समय समय पर दीप जल पुराने एवं पुरानी पत्रिकाओं का साप्ताहिक के माध्यम से साधना, भाषा उन्मूलन एवं व्यक्तित्व परीक्षा की शिक्षा दी जाती है। दोनों नगरों में युवाओं के द्वारा सामूहिक साधना की जाती है। हमारे युवा मंडल के भाइयों द्वारा पूर्वोत्तर जोन में समय समय पर समय दान दिया जाता है। नशा उन्मूलन एवं भ्रष्टाचार विरोधी रैलियां निकाली जाती है। शहर में दीवार रेखा एवं स्टीकर अभियान जोर शोर से चलाया जाता है, जिसमें हमारे वरिष्ठ भाई लोग और हमारे सभी तरह के भाई लोग भाग लेते हैं। हमारे यहाँ वृक्षारोपण चल रहा है। वृक्षारोपण में हमने दो बातें ध्यान रखी है। एक, हम फलदार वृक्षों का रोपण करें। दूसरी, कि हम वृक्ष लगाते हैं जो कि वो गाय बकरी उस पर चल जाती है, तो हम जहाँ घेरा हुआ कंपाउंड रहता है, घेरे में बहुत तरह का सकल होता है, इसलिए जहाँ पर घेरा हुआ कंपाउंड है ऐसे स्कूलों में कॉलेजों में ऐसे लोग भी जिनका घेरा हुआ कंपाउंड है, उसमें हम फलदार वृक्षों का रोपण करें। और हमारी एक पुरानी प्रति रही कि 2008 ईस्वी में उत्तर बिहार का बाढ़ में हमारे युवाओं ने विनोबा का नाम की नगर भी कैंप लगाया था, और उसमें युवाओं ने बहुत अद्भुत एवं अपूर्व अनुभव प्राप्त किए। हमारे आगामी कार्यक्रम है हमारे आगामी कार्यक्रम है संपूर्ण जिला में ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर युवाओं का एकीकरण और युवा मंडल का गठन करके उनमें हम वहां तक पहुंचे, क्योंकि बच्चे तो युवा तो है लेकिन हमारा तात्पर्य नहीं जुड़ पाया। जो पटना का जिला में गया है, हम जिला स्तर से ग्राम तक करना चाहेंगे। गौशाला एवं गौपालों का विस्तार करना, वृक्षारोपण का अग्रिम विस्तार करना, जो समय आ रहा है उसको ध्यान करेंगे, बाल संस्कार शाला का आयोजन करना एवं एक विशेष हमारे यहाँ हमने उसके हमारी विचार लगाया है कि जो चुने गए खास युवा है, चुने गए खास युवाओं के लिए उच्च स्तरीय साधना की कक्षा का आयोजन करना, जिसमें हम चाहेंगे कि हमारे वरिष्ठ पूर्णिया बिहार में हम पूरे भारत से ऐसे वरिष्ठ भाइयों का जो सामना कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं का युवा आगे बढ़े और सब काम करें, यदि उनमें साधना के साधनात्मक अवसर पर वे बहुत ऊंची अवसर को प्राप्त नहीं करते हैं, तो आगे जाकर गिरने का भय रहता है, तो हम गिरे ना, इसलिए विशेष कक्षा का आयोजन करेंगे। उसके लिए हम अपने पड़ोसी और वरिष्ठ भाई अरुण भैया से प्रार्थना करेंगे कि वो इससे हमारा मार्गदर्शन जरूर करें। और अंत में एक दिवसीय हम ग्राम की योजना चलाने का प्रयास करने वाले हैं, कि हम एक दिवस के लिए किसी भी गांव में जाएंगे, किसी भी अनोन गांव में जाएंगे,
वहां भी कुछ लोगों को मिलेंगे, गांव की सफाई करेंगे, वहां के सब लोग बोलेंगे कि हमारे भैया लोग आए हैं, आपको बता जाते हैं और उनको अपनी मिशन के बारे में बताएंगे। अंतिम में राम जी ने जब देखा था ऋषियों का संसार, उन्होंने कहा था इसी तरह ही बड़ मही बुद्ध भाई बढ़ इसी प्रकार पूर्णिया का संकल्प है कि हम कम से कम और 3 साल के अंदर में, हम कम से कम 3 साल के अंदर में 5 राष्ट्रों पे आक्रमण करने वाले हैं। तो राष्ट्र कौन से हैं? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और मलेशिया, इन 5 राष्ट्रों पे पूर्णिया आक्रमण करने वाला है।